नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। रस्म और है, कुछ हमारे मेहमान खास तौर से बैनुल अक्वामी मेहमान से हैं जिनकी खिदमत में मोमेंटो पेश किया जाना है। मेरी गुजारिश होगी कि इसके लिए आप थोड़ा सा हमें वक्त दें और मैं जनाब राकीम आज़मी हमारे मशहूर शायर हैं और कतर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि उनको उनकी खिदमत में मोमेंटो पेश किया जाए। डॉक्टर एस नोमान साहब भी स्टेज पर मौजूद हैं, मेरी गुजारिश होगी उनकी खिदमत में भी मोमेंटो पेश करें। कुवैत बज़्म सदफ़ के चैप्टर के सदर जनाब मसूद असाद साहब, जिनकी आपने तकरीर सुनी थी, वन भी मौजूद हैं स्टेज पर, उनकी खिदमत में भी मोमेंटो पेश करें। डॉक्टर नदीम जफर जेलानी साहब की खिदमत में भी मोमेंटो पेश किया जाए। जनाब अजीम अब्बास साहब की खिदमत में भी मोमेंटो पेश किया जाए। बज़्म सदफ के चेयरमैन जनाब शाहबुद्दीन अहमद की खिदमत में भी बैनुल अक़वामी मंदूब होने की वजह से उनकी खिदमत में भी मोमेंटो पेश किया जाता है। मोहतरमा रफत जहाँ जो कतर से तशरीफ लाई हैं, हैदराबाद की दुख्तर हैं, उनकी खिदमत में भी मोमेंटो पेश किया जाए। प्रोफेसर जफर इमाम की खिदमत में मोमेंटो पेश किया जाए। बज़्म सदफ की कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ी सीढ़ी है या जो सपोर्ट है, जो हिंदुस्तान से ही है, और मैं गुजारिश करूंगा अपने होम मिनिस्टर साहब को कि बज़्म सदफ के डायरेक्टर प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब को मोमेंटो पेश करें। प्रिंसिपल आज मौजूद नहीं है, पहले आई थी मगर वो चली गई हैं, उनका मेमेंटो यहाँ है, इंशाल्लाह उनको कल के प्रोग्राम में मेमेंटो दिया जाएगा। बज़्म सदफ़ और फतह के महबान वजूद की जानिब से तमाम अहलान फतह और शुरकाए महफिल और तमाम हाजरीन, खासकर मैं वुमेंस एम्पावरमेंट का ज़्यादा काम करती हूँ, उसी हिसाब से मैं तमाम खवातीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा फख्र महसूस करती हूँ, ये ज़िंदगी का मेरा पहला लम्हा है। मैं 25 साल से इस फील्ड में हूँ, कभी ऐसा मौका मुझे मेरी अम्मी के सामने नहीं मिला, लेकिन बज़्म सदफ़ मुझे यहाँ पर ला के मेरी अम्मी के सामने ठहराया है, तो मेरे लिए बहुत आज फख्र की बात है कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। जहाँ से जो हमारी बेस, जो हमारी ज़िंदगी की बीच थी, आज वो मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है, कि मुझे ऐसा मौका बज़्म सदफ़ से मिला है कि मैं अपनी अम्मी के सामने यहाँ पर ठहर के कुछ बोल सकूँ। और तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सर आपका बहुत शुक्रिया, तमाम साहब का, फारूक साहब आपका, और हमारे कतर से आए हैं अजीमाबाद साहब आपका, और तमाम सदफ के चेयरमैन और तमाम शोरा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम में शामिल हो गया। आप तमाम ने इस चीज़ के लिए हमारी बाहर से आके यहाँ पर करने की हिम्मत अफजाई की है और हौसला अफजाई की है, उसके हम बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। और वो तमाम वॉलंटियर्स के और बच्चियों के आफरीन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत ज़्यादा इसने बहुत सपोर्ट की है, क्योंकि हमारे लिए भी, हम यहाँ की बेस हैं, यहाँ की बुनियाद है, लेकिन हमारे लिए ये शहर भी एक अजनबी ही है। 30-35 साल से वहाँ रहने के बाद, यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों का भी सपोर्ट मिला है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और थैंक यू वेरी मच सर, आप तो बहुत ज़्यादा हमें शुक्रिया, थैंक यू।
subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.